हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेम क्रिएशंस। आज हम आपके लिए लाए किड्स बैटरी ऑपरेटेड बाइक रिमोट वाली। छोटे बच्चों के लिए रिमोट वाली बाइक बहुत जरूरी होती है। तो 3188 इसका मॉडल नंबर है, फ्लाइंग व्हील्स की गाड़ी है। तो आइए इसका असेंबली और अनबॉक्स। पूरा अनबॉक्स कर लिया है। ये इसका मेन बॉडी है, ये इसका फ्रंट हेडलाइट, ये इसकी छोटी और प्यारी सी सीट, इसके दो गियर बॉक्स, क्योंकि ये डबल मोटर वाली है गाड़ी, डबल मोटर है तो इसमें बहुत अच्छा ये मडगार्ड है। ये इसका हैंडल है, अभी आपको बहुत छोटी दिख रही होगी पर बनने के बाद थोड़ी बड़ी होती है। ये इसका फुटरेस्ट है एक साइड का, दोनों साइड ग्लासेस, ये इसकी व्हील कैप्स, नट, बुशेस, रॉड और ये तीनों इसके व्हील्स है। और ये पीछे वाली नंबर प्लेट है जिसपे आप कस्टमाइज करके अपना मनपसंद नाम या नंबर लिख सकते हैं। हम इसकी पीछे वाली रॉड लगाएंगे। पीछे वाली रॉड के लिए आप ये देख सकते हो यहाँ पे होल्स हैं, तो ये यहाँ से हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे। इस साइड से करते हैं हम इंसर्ट, ये देखिए। और फिर ये इधर आप देखोगे यहाँ से ये ऐसे रॉड आएगी, ठीक है, बाहर। अब आपको ये जो वायर्स दिख रहे हैं, ये गठान आपको खोलनी है वायर्स की, और जो दोनों गियर इसके साथ आए हुए हैं वो दोनों गियर लगाने हैं आपको। और गियर लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके बैटरी के कनेक्शन करने पड़ेंगे। जो रेड वायर निकला हुआ है वो रेड वायर यहाँ पे लगाना है, गाड़ी को ऑन करना है, यहाँ से फॉरवर्ड दबाना है, और हमको पहले गियर के ये दोनों वायर लगाने हैं। देखिए, पहले मैं इन दोनों को सीधा कर लेता हूँ अच्छे से। ग्रीन वाला रेड डॉट पर लगाता हूँ नीचे की साइड में, ठीक है। ये हमने ग्रीन वाला इधर लगाया, और ये वाला जो है येलो वाला, ये ऊपर की साइड लगा रहा हूँ, ठीक है। ये हमने ऊपर लगाया, अब हम इसका एक्सीलेटर दबा के देखेंगे कि किस साइड मोड़ रहा है। आप देख सकते हो ये मैंने है ना फॉरवर्ड कर रखा है, मगर ये गियर पीछे मोड़ रहा है। तो हमको क्या करना है, ये वायर वापस से चेंज करना है। लगने के बाद अगर ये नहीं निकले तो आपको यहाँ पर नाखून से, इस जगह पर नाखून से दबा के और फिर खींचना है इसको। ये देखिए, ये ऐसे और ऐसे। तो हम जो ग्रीन वाला वायर है ये ऊपर लगाएंगे और येलो वाला वायर नीचे लगाएंगे। अब हम इसको एक्सीलेटर को दबा के देखेंगे। आप देख सकते हो ये फॉरवर्ड आगे की तरफ मुड़ रहा है अच्छे से, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, ये अंदर, ये इसके अंदर जाएगा, और ये जो होल है ये यहाँ पे ऐसे जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे लग जाएगा। सेम उस टाइप से हम दूसरा गियर इस इधर लगाएंगे ना पड़ेंगे। वहाँ पर हमने ग्रीन ऊपर लिया था, तो यहाँ पर हम ग्रीन नीचे लेंगे। ये देखिए, हम भी ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं अपन, ये ऐसे रहेगा। आप देख सकते हो अब दोनों गियर एक साइड आगे मूव कर रहे हैं, ये देखिए फॉरवर्ड की साइड। तो यहाँ पे ऐसे टाइट लगा दिया हमने, ये वायर अंदर जाएगा, ये मोटर इस होल में जाएगी और यहाँ से ये ऐसे ये लग जाएगा। रॉड दोनों साइड बराबर लेकर हम इसके टायर इंस्टॉल करेंगे। टायर आप देख सकते हो बहुत ईजी है टायर लगाना, ये एक इधर लग गया और ये वाला दूसरा इधर लग गया। गियर के स्लॉट्स हैं, दो टायर पीछे के हैं, एक आगे का है, ये हमने लगा दिया। दोनों साइड रॉड बाहर आ चुकी है, अब हम इस रॉड को यहाँ पे वॉशर लगा के नट लगाएंगे। ये पॉलिथिन में इसके वॉशर नट स्क्रूज सब कुछ आए हुए हैं, ये देखिए। ये हमने लगाया वॉशर, ये लगाया नट, क्योंकि ये रॉड थ्रू एंड थ्रू है जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो दूसरी साइड भी आपको वॉशर नट लगा के दोनों साइड से एक साइड टाइट करना पड़ेगा आपको, एक हाथ एक साइड एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा और दूसरी साइड। हम दो स्पैनर्स भी देते हैं इसके साथ टाइट करने के लिए, तो आपको ऐसे एक एक करके टाइट करना है इसको। हम इसकी ये पीछे की नंबर प्लेट भी यहीं पर लगा देंगे, यहाँ पर दो स्क्रूज लगेंगे। अब देखिए, ये यहाँ भी दूसरा स्क्रू लगा देना। अब हम इस व्हील की व्हील कैप लगाएंगे, दो व्हील कैप बैक साइड में लगेगी, लगाओ पार्ट। इसके लॉक आपको मिलाने हैं, तीनों लॉक आपको देख के अच्छे से इसको लगा देना है बस। यस कम ऑन,
इसका लेफ्ट साइड का फुटरेस्ट है, इसमें कोई वायरिंग नहीं है, तो हम ये यहाँ पे ऐसे लगा के इसको टाइट दबा देंगे, लॉक हो जाएगा बस। अब हम इसकी ये जो फ्रंट वाला स्टेयरिंग है, इसमें ये वाला टायर इंस्टॉल करेंगे। टायर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले टायर पे ये जो व्हील कैप है ये लगानी है। देखिए ऐसे टाइट प्रेस कर देंगे अपन। इसके बाद ये जो रॉड इसके साथ आई है, ये वाली रॉड इसके अंदर ऐसे डालनी है अपन को, ठीक है। रॉड डालने से पहले हमको ये वाला जो है एक्सल यहाँ पे लगाना है, और उससे भी पहले हमको यहाँ पे मडगार्ड लगाना पड़ेगा। ये इसका फ्रंट है, तो मडगार्ड ऐसे लगेगा, ये ऐसे दोनों साइड से अंदर जाएगा। यहाँ पे ऊपर आके आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू लगेंगे दोनों साइड, एक एक दो छोटे वाले पतले स्क्रू लगाने हैं अपन को। ये वाला दोनों साइड हमने एक एक स्क्रू लगा दिया। अब हम इसका टायर लगाएंगे। ये फ्रंट साइड है, ये टायर ऐसे हमने इसमें एक बार पकड़ा दें, ये देखिए यहाँ पे। इसके बाद हम ये वाले जो बोल्ट है ये डालेंगे, ये आप देख सकते हैं इस साइड आ चुका है। अब हम एक वॉशर लगा के और फिर एक नट यहाँ पे टाइट कर देंगे। सेम वैसे ही आपको स्पैनर से टाइट करना है, ये देखिए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, टायर एकदम फ्रीली मूव होना चाहिए, ये देखिए ऐसे फ्री मूव होना चाहिए। अब हम इसको इस गाड़ी से अटैच करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये जो पार्ट्स हैं ये लगेंगे, ये वाला हम इसमें रॉड यहाँ ऑलरेडी लगा चुके हैं, आप चाहो तो बाद में भी लगा सकते हो। ये जो पार्ट है ये यहाँ पे ऐसे लगेगा इस जगह पर, आपको ये जो रॉड ये यहाँ तक लानी है, फिर उसके बाद ये जो वायर है आपको ये बाहर खींच के रखना है आगे वाली साइड में। गाड़ी को ऐसे ऊपर उठाना है और इस स्लॉट में डालना है। इसके बाद आपको ये जो होल है ये अलाइन करना है इसके साथ, ये देखिए ये होल अलाइन हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ पे ये, अब यहाँ पे हम सेम एक वॉशर लगाएंगे और एक नट लगाएंगे, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी इसी स्लॉट में है, तो यहाँ से अपन को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीचे से हम इसको टाइट कर देंगे अच्छे से। ये हमने इसको पूरा टाइट कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट असेंबल होके तैयार है। अब हम इसका फ्रंट फेस लगाएंगे। ये जो है इसका फ्रंट वाली लाइट है, अब ये देखिए ये लाइट में एक वायर आ रहा है, इसके साथ ये एक पार्ट है, ये हम इसको यहाँ पे लेंगे ऐसे। यहाँ पे दो स्क्रूज लगेंगे, आप देख सकते हो ये वायर बाहर आया है, यहाँ पे दो होल है, ये एक स्क्रू हमने यहाँ पे और एक स्क्रू यहाँ पे, ये दोनों स्क्रूज यहाँ लगेंगे। ये देखिए अब ये जो इसका कनेक्शन है लाइट का ये करेंगे हम, मेल फीमेल सॉकेट है। ये वायर हम इधर अंदर जाने देंगे और ये जो है यहाँ पे बस आपको प्रेस करना है, लॉक लग जाएगा। ये देखिए ये आगे और पीछे दोनों साइड से अच्छे से लॉक लग चुका है। अब हम इसकी सीट लगाएंगे। सीट ऑलरेडी देखिए बैटरी कनेक्शन हमने लगा दिए हैं, बस सीट सिंपल दो स्क्रूज़ हैं यहाँ पे लगेंगे और ये सीट इसके अंदर ऐसे यहाँ पे लग जाएगी। ये दोनों स्क्रूज हमने यहाँ पे ये दोनों लगा दिए, सीट कंप्लीट लग चुकी है। अब ये गाड़ी आप देख सकते हो कि पूरी रेडी हो चुकी है। ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स और ये ऑन ऑफ का बटन हो गया। इसमें ब्लूटूथ भी है,
मोबाइल से आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो और म्यूजिक भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छी लाइट्स भी है। ये देखिए गोल्डन कलर का इसमें वो दे रखा है। अब हम इसको रिमोट से, आपको ये इसका रिमोट आता है साथ में, और ये साइड ग्लासेस, ये आपको देखो लेफ्ट और राइट दोनों में एक एक लगानी है, ये ऐसे लग जाएंगे दोनों। और ये इसका रिमोट है जिसमें फॉरवर्ड, रिवर्स और ब्रेक, ये तीन बटन दिए हुए हैं, जिससे आप बच्चा अगर चला भी रहा है आगे और आपको रोकना है तो आप पी दबा सकते हैं, तो पार्क हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और फॉरवर्ड रिवर्स आप रिमोट से चला सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको एक गाड़ी परचेज करनी है तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हमारी वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। थैंक यू गाइस।